गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ गेस्टुलेशन को कंप्लीट करा था, एपिबोली और एम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ऑफ गेस्टुलेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ गेस्टुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन जैसा कि हमको मालूम है कि ये एक एक्टिव स्टेज होती है और इसमें जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं उनमें कई तरह के मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। इनमें ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है उस दौरान उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खर्च होते हैं या उनका ज्यादा उपयोग होता है। इसमें है फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है तो जो ग्लाइकोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और फ्रॉग में इनवेजिनेशन के बाद ग्लाइकोजन की मात्रा देखी जाए तो बहुत ज्यादा बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ योग। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है जिनमें योग प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन के अलावा उसमें उस योग को भी एनर्जी सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, और उसके लिए जो योग होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है जिससे कि हम ये जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं वो उससे एनर्जी लेकर यूज कर सकती है या उनका यूज होता है। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म। गेस्टुलेशन के दौरान जो एम्ब्रियो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो करीब कांस्टेंट ही रहता है, और उसमें कुछ सिंथेसाइज एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि इसमें आरएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और नए प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। ये जो गेस्टुलेशन होता है उस समय ये एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ये कुछ चीजें सिंथेसाइज होती हैं। फर्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो सेल्स होती हैं वो सेल्स डिवीजन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड को भी सिंथेसाइज करती हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, जो कि इसमें जब डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेशन के लिए उसकी जरूरत होती है। मॉलिक्यूलर बेस पर गैस्ट्रुलेशन की जो शुरुआत होती है उसका पता भी डीएनए आधारित राइबोसोमल आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सिंथेसिस से लगाया जाता है। यानी कि गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत में ही डीएनए से ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसाइज होता है, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान नए मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स भी सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस। गैस्ट्रुलेशन के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस की रेट भी बढ़ जाता है, और इस समय स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो मोस्टली योग से ही प्राप्त किए जाते हैं। जो उसमें योग प्रेजेंट होता है उसी से ही ये मटेरियल लिया जाता है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि जो योग होता है, जो ब्रेकडाउन ऑफ योग होता है उससे हम एनर्जी भी लेते हैं। इस तरह से इस गैस्ट्रुलेशन के टाइम में जो योग होता है उसका करीब करीब पूरा कंजप्शन हो जाता है। कुछ तो वो एनर्जी देता है और कुछ वो डिफरेंट ये आरएनए सिंथेसाइज के समय काम आता है या प्रोटीन सिंथेसाइज के समय ये काम आता है। ये जो नए प्रोटीन्स होते हैं इनका सिंथेसिस जो पैतृक जीन्स होते हैं उनके डायरेक्शन में होता है। ये जीन्स गैस्ट्रुलेशन के समय ही एक्टिव हो जाते हैं। एम्फीबियंस और जो सी अर्चिन होते हैं उनके गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में एंटीजन्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को इंड्यूस करने में सक्षम होते हैं। इस तरह के जो एंटीजन प्रोटीन होते हैं वो गैस्ट्रुलेशन से पहले नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन के समय कुछ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शन समय देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज जीन एक्टिविटीज ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। एक्स में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं
क्लीवेज के दौरान एक तरह से सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और गैस्ट्रुलेशन के समय ये एक्टिव हो जाते हैं और डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस पर अपना कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लीवेज के समय जो पैतृक जीन्स होते हैं इनका प्रभाव नहीं होता है। क्लीवेज में ये जो जीन्स होते हैं इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब ओजेनेसिस के समय मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पैतृक जीन्स के डायरेक्शन में सिंथेसाइज किए गए थे, वो क्लीवेज की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ होते ही ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स के क्रोमोसोम्स पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आरएनए का सिंथेसाइज करते हैं। ये क्लीवेज आरएनए के अणु स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज द्वारा डेवलपिंग स्टेजेस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज सेल प्रॉपर्टीज चेंज बाय गैस्ट्रुलेशन। हमने ये देखा था कि जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो उसमें 3 जर्म लेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है और जो क्लीवेज के दौरान जो सेल्स होती हैं वो अमीबॉइड प्रकार की होती हैं, लेकिन बाद में ये सेल्स चेंज होती हैं और गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सेल्स की लेयर्स बन जाती हैं। और गैस्ट्रुलेशन की जो सेल्स होती हैं उनमें ब्लास्टुलर सेल्स की तुलना में ज्यादा परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ये जो गैस्ट्रुलेशन है एक तरह से इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण इनमें सेल्स में, या हम कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं उनमें एक केमिकल चेंजेस होता है जिसके कारण ये सेल्स प्रिजेंटिव ऑर्गन्स को बनाने के लिए उनके एक स्पेसिफिक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। सेकंड, इसमें जो क्लीवेज की रेट होता है वो धीमा हो जाता है। और थर्ड, इस अवस्था में जो केंद्र, जो सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का सिंथेसाइज शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है उसके डेवलपमेंट के लिए इसमें जो सेल्स होती हैं वो इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कर उस जगह पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं और नर्वस सिस्टम को बनाना शुरू करती हैं। और साथ में ये जो गैस्ट्रुलेशन होता है उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स का निर्माण हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर्स बन जाती हैं। और इस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के कारण इसमें एक नई आर्केंट्रोन कैविटी का निर्माण होता है जो कि आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल में डेवलप होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रुलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ा। और फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रुलेशन में हमने देखा कि उनमें 2 मेन प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। और ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक तरह से केमिकल चेंजेस हैं जो कि ब्लास्टोमियर सेल्स में ये केमिकल चेंजेस पाए जाते हैं। और जो कैटाबॉलिज्म है उसमें हमने ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन होता है और योक का ब्रेकडाउन होता है। और साथ में एनाबॉलिक एक्टिविटीज में हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज होते हैं और डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और साथ में हमने ये देखा कि कुछ ऐसे जीन्स जो कि क्लीवेज के समय एक्टिव नहीं थे वो गैस्ट्रुलेशन के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं और इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और साथ में जो सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन देखा उसमें हमने देखा कि डिफरेंट जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं और आर्केंट्रॉन बन जाता है और नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में अपना सिग्निफिकेंस रखता है। ओके, थैंक्स क्लास।